एक दो तीन जो गाना है वो तो दरअसल आपको जो डेडलाइन दी गई थी वो डेडलाइन आपने मीट नहीं कर पाए थे, और वो गाना तब लिखा जब पेश होना चाहिए था उससे थोड़ी देर पहले। बड़ा मजे का वाक्य है, सुना दीजिए। नहीं नहीं असल में दो तीन गाने कंफ्यूज कर रही है, ये किसी और का गाने का किस्सा है, एक दो तीन का अलग है। एक दो तीन तो ऐसे था कि वो हमको एक गाना चाहिए था, लड़की का नाम मुझे याद, मोहनी नाम था शायद, तो जो कर रही थी एक नई एक्ट्रेस, वो स्टार नहीं बनी थी तब, माधुरी, व्हाट अ टैलेंटेड गर्ल। तो वो नौटंकी में काम करते हैं और नौटंकी का गाना चाहिए। अब नौटंकी में वो ऐसा तो है नहीं ना कि कोई गालिब की गजल गा रही होगी, ठीक नहीं लगेगा, नौटंकी टाइप भी गाना चाहिए तो चीज़ करना। अब हम लोगों ने कई बार ट्राई किया, यूँ कर लें या यूँ कर लें, गायन चंद्रा उसके डायरेक्टर थे, बड़े अपने वक्त के सक्सेसफुल डायरेक्टर, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर, कोई बात बन नहीं रही थी। तो एक दिन मैं और चंद्रा गए उनके लक्ष्मी जी के म्यूजिक रूम में, तो उनके असिस्टेंट सुधीर नाम था उसका भी इंतजाम था, तो उसने कहा कि आप बैठिए, लक्ष्मी जी अभी गए उस जमाने वो गणपति के तो मंदिर गए पास में, और एक उन्होंने कहा कि आपको बैठा है पदरमठ में, ठीक तो बैठ गए, तो पदरमठ में आप ही गए तो बैठे हारमोनियम पे अपने, कहने में भी आ रहा था तो उधर से गणपति का जुलूस जा रहा था, तो उसमें बैंजो पे एक ट्यून बजा रहा था आदमी, वो ट्यून सुन के मुझे एक ट्यून ध्यान में आया, तो मैं सुनाता हूँ, तो देखे कैसे करते, तो उन्होंने हारमोनियम पे ट्यून सुनाई। अच्छा ये एक चीज़ हमारे यहाँ कहलाती है हमारे प्रोफेशन में डमी वर्ड्स। डमी वर्ड्स का मतलब होता है कि सचमुच के वर्ड नहीं है, ये सिर्फ ट्यून बनाने के लिए, बताने के लिए कि ट्यून क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर एक्सेल को सीधा सीधा ऐसे ही वर्ड बन देता है, वो वर्ड नहीं बताना तो बाद में लिखा जाता है, लेकिन ट्यून पे लिखा जाता है। तो उन्होंने जब ये ट्यून बता रहे थे तो उन्होंने यही गाया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह डारे डे डरा डेरा ऐसा करते। तो मैंने सुना, तो मैंने कहा ऐसा काम कीजिए लक्ष्मी जी कि जो आपने बारह तेरह तक गाया ना इसको ऐसे ही रखेंगे, तो उनका तो रंग उड़ गया, अरे क्या कह रहे हैं, अरे भैया तो मैं ट्यून बताने के लिए बोल रहा हूँ, एक दो तीन आधा मौसम है रंगीन या एक दो तीन चार मुझको हो गया है प्यार, यहाँ तक तो ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह वो घसेंगे, नहीं 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 समझ कीजिए, मैं इसके आगे जो गाना लिखूंगा उससे आपको इतराज नहीं होगा कि ये क्यों इतनी गिनती है। और उसे जस्टिफाई भी किया कि तेरा क्यों गा है। अब ये गाना बहुत डुपर डुपर, लेकिन ये मेरे गले में एक पत्थर की तरह लगा। अब मैं कहीं लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में भी जाऊंगा तो पीछे बैठे हुए लोग पुकारे वो सुनाइए एक दो तीन, मुश्किल है भाई। तो मैंने कहा जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा ठीक है सबसे पहले वही सुनाऊ, और गा के नहीं सुनाऊंगा, ऐसे सुनाऊंगा जैसे दावे को कभी सुनाते हैं, और अगर आपको बुरा लगे तो हुट कीजिएगा और मैं आपको भी सुनाऊंगा। एक हमारे देश में एक परंपरा है नॉर्थ इंडिया की और यहाँ की भी मध्य प्रदेश, उसे कहते हैं बारह मासा। हाँ जी, बारह मासा एक गीत होता है जिसमें एक विरहन, विरहन जो जिसका जो प्रीतम है या पति है वो कहीं चला गया है, शहर चला गया है, ये गाँव अकेली है और उसे याद कर रही है और एक साल से नहीं आया। उस जमाने में पति या तो कलकत्ता जाते थे या रंगून, मेरे पिया गए रंगून, तो ये जो था कमाई का जरिया था, जैसे अब दुबई और बॉम्बे हो गया तब वो था कलकत्ता था और रंगून। तो ये जो विरहन है ये हर महीने का अपना सफरिंग जो है, ये तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रही, ये डिस्क्राइब करती, इसे कहते हैं बारह मासा। वो बारह मासा का ही स्ट्रक्चर लेके, इसलिए कि जब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह है तो ये क्या गिन रहे, तो मैंने फैसला किया कि दिन गिन, और मैंने गाना उसके हिसाब से बारह मासा की जगह एक महीने का डिस्क्रिप्शन। सुनिए बात,
13 के बाद मुझे लगता है लोग सिर्फ सुनते ही नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करोड़ दिन गिन गिन के इंतजार आज आप यहाँ आए। 14 को तेरा संदेशा आया, 15 को हम गजे कहलाया, 14 को आया ना 15 को तू तड़पा के मुझको तूने क्या पाया, 16 को भी 16 किए थे सिंगार आज आप यहाँ आया, 17 को संगीतन छूट गया, 18 को दिल टूट गया, रो रो गुजारा मैंने सारा, 19, 20 को दिल के टुकड़े हुए, 20 फिर भी नहीं दिल से गया तेरा प्यार आज आप यहाँ आया, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में मारा मुझे विरह की चक्की में मैं पिस गई, दिन बस महीने के हैं और चार आज आप यहाँ आया, क्या बुराई इतना मुझे परेशान किया, 1, 2, 3, 4 आपने लिखा हमारी देखनी है तो आप कर्कश लाओ आपने